You are watching Channel Y, Channel Y, a South Asian Canadian channel. दोस्तों आज तुहाडे सब नाल मैं जो कुछ बीजेपी की सरकार ने बदला खोरी की नीति के तहत कल मेरे परिवार से कई जगह के उत्ते छापे मारे इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों स्पेशल दिल्ली तो जिहड़े हेड ऑफिस तो उन्होंने हदायतां सीगियां सारी टीम्स नूं उहदे बारे थोड़ा जिहा मैं तुहाडे नाल जो तथ्य ने उहदे बारे तुहाडे नाल चर्चा करना चाहुंदा। पहला तो मैं कहना चाहुंदा शुरुआत विच कि बिल्कुल घबराउणा नहीं गा, मेरी सेहत ते कोई असर नहीं। इदां दे हज़ारां रेड करके देख लैन, अगर वो समझते ने बीजेपी की सरकार कि इस तरह किसी धमका के या ईडी दे रेड करके या सीबीआई दे रेड करके साडी जुबान बंद करा लैणगे, जो असीं लोगों के हकूक लिए बोलते हैं या किसान अंदोलन के हक में बोले हाँ या नवरीत सिंह दे होए कतल दे मुतल्लक बोले हाँ या जो तशद्दुद ढाया गया साडे पंजाब दे नौजवान तबके दे उत्ते, चाहे वह नोदीप कौर सी ते चाहे वह शिव कुमार सी ते चाहे वह लखे सिधाणे दे खिलाफ मुकदमा वा ते चाहे वह दीप सिद्धू नूं फड़ के अंदर दिता, चाहे वह रणजीत सिंह नूं किस तरह नाल लंगर चो चक के बीजेपी दे ते आरएसएस दे पेड बदमाशां ने उसनूं टॉर्चर किया कुटिया, पुलिस वाले ने उहदे मूँह दे उहदी पग दे उहदी दाढ़ी दे उत्ते पैर रख के उसनूं मिदण दी कोशिश की, जिस तरह अमेरिका दे विच जॉर्ज फ्लॉयड एक काले नागरिक दे नाल उत्थों दे एक गोरे पुलिस वाले ने किया। जिहड़ा कैंपेन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिहड़ा माई वॉयस अगेंस्ट अट्रोसिटीज अगेंस्ट पुलिस ब्रुटैलिटी अगेंस्ट टॉर्चर अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दिस कंट्री ये बंद नहीं होगी, बिल्कुल बंद नहीं होगी। और इदा दे ईडी दे नोटिस उन्होंने कई एक्टर्स तापसी पन्नू या अनुराग कश्यप दलजीत दोसांझ बहुत सारे पंजाब के होर होनहार आर्टिस्ट लोगों को ईडी के बहुत सारे नोटिस इनकम टैक्स रेड्स हुई होनगियां, पर जिहड़ा कल उन्होंने आके मेरे हकूक के उत्ते डाका मारिया, क्योंकि एक पासे पंजाब की विधानसभा का सैशन चल रहा है तो जो सवेरे टीम आई है मैं उन्होंने कहा मैं मैंबर हाँ मैं फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो मैं अपना विधानसभा का सैशन अटेंड करना तो तुम मेरी प्रेमिस मेरी कोठी को मेरे घर में जिन्ना मर्जी सर्च करो जी सब के सर्च करो, क्योंकि मैं तो कभी कोई मनी लॉन्डरिंग ड्रग मनी ये कोई सर कोई दूर का सरोकार भी नहीं गा, पर वो टीम उन्होंने दिल्लियों दुबारा दुबारा हदायत आ रही टेलीफोन जाके सुनते बार उन्होंने साढ़े को मेरे फोन सारे रखाले खोले। मैं क्या घट्टो घट मैंने स्पीकर विधानसभा तो इनफॉर्म कर लें, तो यू हैव टू इनफॉर्म हिम के विधानसभा सैशन में है तो तुम मैनू इतने विदाउट एनी कोई इस तरह के वॉरंट कि मैं डिटेन कर रहे हो, तुम सर्च के वॉरंट्स लैके आओ सर्च कर लो, पर उन्होंने मैं विधानसभा में नहीं जान दिता। खैर जो विधानसभा के कल मेरी गैरहाजिरी तो अज विधानसभा के सारिया पार्टिया के आगुआ ने मैं सारे का बहुत शुक्रगुजार हाँ बहुत निंदा प्रस्ताव पंजाब की विधानसभा इस कल के ईडी के रेड में लेके बदलाखोरी की राजनीति में लेके वो आ रहे हैं। मैं सब का मैं हम नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे मैंबर्स ने मेरे हक में हाँ का नारा मारिया, अज नवजोत सिंह सिद्धू ने और पार्लीमेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा जी ने तो स्पीकर जिहड़े राणा के पी सिंह उन्होंने सारे ने कॉग्निजेंस लेके जिहड़ा कमर संधु एम एल ए खरड़ ने रेजोल्यूशन मूव किया उन्होंने बहुत ठोस गल्लां हाउस के ऑन रिकॉर्ड लेके मैं उन्होंने सारे का भी धन्यवाद करता। अकाली दल के भी कल मैंबर्स ने मेरे या बदलाखोरी की राजनीति को कंडेम किया, इस तरह परमिंदर सिंह ढींसा डेमोक्रेटिक अकाली दल मेरे नाल दे एम एल ए बिरमल सिंह खालसा ते जगदीप सिंह कमालू ते कंवर संधू कल सारा दिन इत्थे धुप्पे बाहर गेट के मोहरे खड़ के उन्होंने बहुत मदद साडे हक विच आवाज़ उठाई। इस तरह ही कुछ ट्रेजरी बेंचेस वालों जिदा कल भी नवजोत सिंह सिद्धू ने शायद मिस्टर चन्नी ने जिहड़े साडे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने गल की, अज मैं सुन रहा सीगा रवनीत बिट्टू ने भी ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿਊਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਕੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾਜ਼ ਹਾਊਸ ਰੇਡਿਡ ਫੋਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਚਲੋ 50,000 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ, ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ,
सरकार के खिलाफ बोलता उदो मेरी आवाज बंद कराने के मनसूबे बनाई है। पहला अकाली दल की सरकार ने मेरे 6-7 परचे दर्ज किए, वो वाहगुरु की कृपा ना सारे हाई कोर्ट ने सारे कोश किए। हूँ जो पिछली करंट टेन्योर में मैं राणा गुरजीत सिंह माइनिंग माफिया मिनिस्टर के खिलाफ स्कैंडल के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने इस्तीफा देना पाया। उन्होंने मेरे ते नजला सुटते हुए सरकार ने मेरे ते ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मामला क्रिएट किया, क्रिएट एब्सोल्युटली फॉल्स फ्रिवलस, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस स्टे करती प्रोसीडिंग्स। हुण जब सुप्रीम कोर्ट दी प्रोसीडिंग्स किसी ड्रग मामले में स्टे ने, यह ईडी का रेड उस ही मामले के दोबारा मेरे घर मेरे पिंड छापामारी की, मेरे चंडीगढ़ घर में की, मेरे सन इन लॉ के दिल्ली के रिहायश में उन्होंने की, उस ही ड्रग्स मामले में कह रहे हैं इनफोर्समेंट डायरेक्टर ने। मैंने नहीं कहा, अखबारों को फीड किया कि ड्रग्स के मामले में रेड किया, जबकि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे किया है। और मैं कहना चाहता वा कि यह जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इस वक्त सारे देश व्यापक हो रही है, कहीं मेरे तो नहीं, ठीक है, मेरे तो उन्होंने हरासमेंट की, सर्च किया, वो किया किया, अखबारों एक विलीफिकेशन से करैक्टर असैसीनेशन कैंपेन चलाया, पर जिन्होंने लोगों को टॉर्चर किया, जिन्होंने नोदीप वर्गियां प्राइवेट पार्ट से हमला किया, जिन्होंने फड़ के जेलों में छोड़ दिता, मेरी हमदर्दी उन्होंने नाल भी है, उन्होंने वास्ते मेरी आवाज़ हर वक्त उठती रहेगी। दूसरा मैं कहना चाहना कि पहले आप मनी लॉन्ड्रिंग की गल कर लिए, मनी लॉन्ड्रिंग मेरे सत्कारयोग वीरों भैनों की होंगी है, मनी लॉन्ड्रिंग इस जेडे लोग वड्डे कारपोरेट हाउसेज अमीर आदमी ताकतवर पोलीटिकल आदमी जिन्होंने राज सत्ता भोगी है, वो अपना काला धन विदेशों में भी घुमाते हैं, उन्होंने ऑफशोर अकाउंट्स होंगे ने, बहुत सारे लोगों के स्विट्जरलैंड बैंकों अकाउंट है, कई बहामास के जेडे करेबियन आइलैंड आ उतों की ऑफशोर अकाउंट्स घुमा के पैसा उधरों की घुमा के, या दुबई वगैरह जिथे को पुछ गिछ नहीं करता, सैकड़े हज़ारा करोड़ों रुपये उन्होंने कहें मनी लॉन्ड्रिंग। तो मेरे खिलाफ जी कल सीजर तो बाद जी रिपोर्ट बनाई जो पंचनामा कहें इल्जाम ला रहे हैं, मेरे घरों दो डायरीज जिड़िया कि मेरी वाइफ ने मेनटेन कितिया से अपने बच्चों की शादी की, उसदे च की डिटेल से कि खाने वाले को कितना पैसा दिता, जिहड़े कोई डेकोरेशन वाले से उन्होंने कितना पैसा दिता, लाइट एंड साउंड वाले को कितना पैसा दिता, वो सारिया डेयरिया सीज करके ले गए ने। और दो शादियां मैं कीतियां, पहला अपनी बेटी की कीती फिर अपने बेटे की, और वो सारा पर्सनल रिकॉर्ड चक के, और तुम हैरान हो गए, एक वट्सएप मेरी बेटी ने मैनू या मैं भेजा अपनी बेटी को मैसेज सिमर तो कि मेरा एक MLA है परमल सिंह भदौड़, उन्हें 3 कैंसर पेशेंट्स की डिटेल मैंने फॉरवर्ड की, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी कि मैं भी कोई किसान अंदोलन में योगदान पाना चाहनी हाँ, उन्होंने चलो जो दिल्ली पाया वो अलग है, पर कहती होर असी मदद करना चाहते हैं, तो वो जरा 3 कैंसर पेशेंट्स का रिकॉर्ड से वट्सएप चैट सी जिन्हों परिवारों उन्होंने 20-25 हज़ार रुपया उन्होंने अकाउंट्स में पाया, वो जी उन्होंने अकाउंट डिटेल से उत्तर लिखा वा कैंसर पेशेंट अकाउंट डिटेल्स, वो भी वट्सएप की चैट बना के मनी लॉन्डरिंग पा के वो लेके गए हैं। कई पेजेस के उत्ते लिखा सीगा कि शादी के दौरान कि असी शगन 25 डब्बे लड्डुआ के लैके जाने ने, या काजू की बर्फी लैके जानी, या ड्राई फ्रूट लैके जाना, उस भी मेरे साइन कराए। इस दिस मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग मैं कहना चाहना कि उस समय परमात्मा वाहगुरु तो डर के कहना, मैं सारी जिंदगी कभी कोई गलत काम नहीं किया, जे किया हों फिर मैं उन्होंने आवाज़ा सारे पंजाब उठनिया चाहिए सी। सो परसनल मैं अपनी गल कहना चाहता, हालांकि यह फोरम नहीं गा, पर सिर्फ तुहानू दसण वास्ते कि मनी लॉन्ड्रिंग की होंदी है, तो मेरे ते की इल्जाम ला रहे हैं। मैं जो कुछ भी पिछले समय च कीता सारा कुल मिला के जो अपने जिम्मेवारियां अदा कीतियां एज अ पेरेंट, मेरे ते इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 करोड़ रुपए का कर्जा वा, जिहड़े बंदे ते कर्जा वा, और कर्जा ऑन रिकॉर्ड है, मेरिया एग्रीकल्चर जिहड़ी लैंड है साडी उहनू गिरवी रख के बैंकां तो एग्रीकल्चर लिमिट्स बणाईआं होईआं सी, उसका 10% ब्याज लगता हर साल, हूँ 2-2.5 करोड़ में 20-25 लाख रुपया ब्याज लगता, मेरे को कई बार ब्याज देने के पैसे नहीं होंगे, तो मैं अपने दोस्तों मित्रों को रिश्तेदार को अपनी बेटी या अपने परिवार के मैंबर्स को पैसा फड़ के तो मैं वह इंट्रस्ट भरदा, जो मेरे को इदा ही पैसा हो पहला तो मैं अपनी लिमिट्स भर, मैं 20-25 लाख रुपया बैंक में क्यों अदा करा, इस करके उन्होंने कुछ नहीं मिले। और मेरे पिंड विच बहुत सारिया सर्चेस बहुत बेतुकियां गल्लां मनी लॉन्डरिंग नाल जोड़ के एवं वो अपना डिटेल बना के लै गए, उन्होंने संघ आँदी सी कि हुण असीं की कहांगे कि असीं मनी लॉन्डरिंग के आधार उत्ते आए, तो लभ्या की हुण आ गई ड्रग्स की गल, ड्रग्स के एक नवे पैसे का उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं सी, एक नवे पैसे का, बट अखबारां लिखी जांदियां ने खैराज हाउस रेडिड फॉर मनी लॉन्डरिंग एंड ड्रग्स, मेरी
उस मीडिया में भी मेरी हाथ जोड़ के बेनती कि तुसी किसे दा कैरेक्टर असैसिनेट करने लगे कलम ना लिखने लगे दो मिनट सोचा करो अगर यही इल्जाम तुहाडे ते लगदे होण ते होण बेबुनियाद ते तुहाडे ते की बीतती होवेगी। इसलिए मेरे वीरों भैनों सत्कारयोग विश्व च बैठे पंजाब के लोगों मैं तुहाडे अगे सिर झुकाउणा वा। तुसी सब ने मेरी बड़ी मदद की अज की नहीं लगातार जे तुसी साथ ना दिंदे होंदे तो हुण तक तां मैनूं मधोल के रख देना सरकारां ने अंदर सुट देना सीगा। पर पिछे की कहिंदे होंदे आ आवाज़े खलकत नगारा ए खुदा लोगों की आवाज़ रब की आवाज़ तुहाडियां अरदासां इन्नियां काम आईयां कि मैं मुश्किल तो मुश्किल हालातों में भी लंघ गया। मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन सीगा जो मेरे ते हमला किया गया आही इल्जाम ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग एटसैट्रा एटसैट्रा बट वो तुहाडे अरदासां दे करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसनों स्टे किया। इहदे दौरान बड़े जजेस के स्कैंडल एक्सपोज किए उहदी ऑडियो क्लिप आई जिसने मेरे खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला दिता सीगा उहदी ऑडियो क्लिप के 25-35 लाख रुपया उसने एक आदमी को कम रिश्वतखोरी लिया सरकार ने उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने तोहफा दिता उन्होंने बाद एजुकेशन ट्रिब्यूनल का उन्होंने मैंबर बना दिता वा उस जज को जिन्हें मेरे केस को रिजेक्ट करने डिसमिस करने लिए पैसा लिया सो so, कड़ी ना कड़ी वो जुड़ गई सी। इस करके मैं ये प्रण करता वा कि यह जी आवाज़ पहला बोलते रहे चकते रहे नवरीत के हक में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये होर तेज़ करा और मैं एक दो दिन दो दिन तो बाद मैं प्रोग्राम देना वा तो मैं उस किसान अंदोलन में जाना वा दोबारा जे बीजेपी या सरकार ये समझती है कि तुसी इदां दीआं गिद्दड़ भुक्कियां दे नाल परचे दर्ज करके साढ़े रेड मार के तुसी इस गल तो सानू पिछे हटा दोगे तुसी नहीं ही हटा सकते जान तो सब ने एक दिन देनी है उस परमात्मा वाहिगुरू सब ने चले जाना मेरे वीरों इत्थों किसी ने नहीं रहना पक्के तौर पर। इसलिए जदों आपां अपनी जमीर बेच दिंदे आ या घबरा जाने या डर जाने फिर अंदरों आदमी अल्टीमेटली एक उहदी कायरां वाली मौत हो जाती है। सो कायरां नालों मरन नालों जुरत नाल गल कह के अपनी पूरी गल पक्ष रख के अगर तुहाडा नुकसान नहीं हुंदा तां फिर दिखी जाऊगी मैंने कोई जेल जाण तों भी डर नहीं अगर उन्होंने लगता ना कि कोई किसी को जेल भेज के बहुत वड्डा असीं प्राप्त कर लाँगे डजन अफेक्ट मी क्योंकि मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह मैं जो छोटा ही सीगा एमरजेंसी में उन्होंने पहला 19 महीने जेल कट्टी मैं छोटा जिहा सीगा जो उन्होंने फिरोजपुर जेल में मिलन जाता सी। उस तो बाद उन्होंने नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया से उस वेले एक काला कानून सीगा कि एक साल तुसीं विदाउट गिविंग एनी असाइनिंग एनी रीजन और एनी अपील तुसीं किसी को भी डिटेन कर सकते हो। वो नैशनल सिक्योरिटी एक्ट में मेरे पिता जी ने कितने कितने जेलां कट्टियां ने एक पूरा साल अगरतला त्रिपुरा च कट्टिया वैसट बंगाल तो परे एक छोटी जी स्टेट उस तो बाद क्युंझर इन उड़ीसा फतेहपुर सिकरी इन उत्तर प्रदेश हजारीबाग इन बिहार एंड तिहाड़ जेल बहुत लंबा अरसा अंबाले की जेल चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल जलंधर की जेल कपूरथले की जेल। सो इन्हों लगता कि इदा वो डरा लेंगे सानू नेवर एवर। सो बस तुम्हें मैं ये कहना चाहता सीगा कि मेरी आवाज़ कायम है और तुहाडा सारयां दा मैं शुक्रिया अदा करना जिहड़ी पोलीटिकल पार्टियां लीडर ने किया मैं सब दे नाम नहीं ले सकता मैं उन्हों का भी शुक्रिया अदा करदा तो दुनिया भर च वर्ल्ड वाइड जिहड़ा लोगों ने साढ़े लिए अरदास की है उन्होंने सब का मैं शुक्रिया अदा करदा और धन्यवाद करदा और मैं उस परमात्मा वाहिगुरू दे तो डर के कहना कि इन्हां चों कख नहीं निकलेगा और आपां बिल्कुल क्लीन एंड नीट जिदा पहला जो कुछ अपने ते हमले किया आपां उहदे चों बेदाग होकर निकलांगे तुहाडियां अरदासां दे नाल ते उस वाहिगुरू दे उहदी अपार कृपा दे सदका। सो तुहाडा सारयां दा शुक्रिया अदा करदा हाँ और मैं तुहानूं कहूँगा कि किसी भी इस तरह के मन घड़त झूठे इल्जामबाजी विच काम नहीं कुछ लोग बड़े सड़े जे ने फेसबुक पर फिर भी लिखी जाते हैं कि बीजेपी इनू पता नहीं कि परचा दर्ज करके चमका रही है हीरो बन रही है फेसबुक पर इदा दरतूत भैड़िया गल् लिख के तुम पता यदा की हशर हों कभी परचा दर्ज होया वा तुहाडे घर कभी वर्दी धारिया ने आण के तुहाडियां औरतां ते तुहाडे परिवार के सामने रेड किया वा कभी जेल जाके देखा वा कभी किसी थाने विच भी जाके देखा वा फेसबुक पर तो लिखना बड़ा सौखा कि फलाने ने आह करता जी ये तो मैनू कुछ लोग कहें ड्रग माफिया का नजर जे ड्रग माफिया का रहना कोई तो सबूत तो दौ फिर मेरे वीरों देयरफोर इतों ज़्यादा मैं उन्होंने बारे भी नहीं करना चाहता उन्होंने कहना इस हेट मोंगर्स ट्रोलर्स जे अन्ने जे भगत बने फिरते हैं फजूल लोगों के जिन्हों का पंजाब ना कोई सरोकार नहीं गा प्लीज स्टॉप राइटिंग बैड लैंग्वेज। मैं भी तुहाडे अगर चाहवा मैं तुहाडी कल्ले कल्ले की स्क्रीनशॉट पुलिस में हैंडओवर कर सकता तुहाडे केस रजिस्टर करा सकता बट आई डो नॉट इंडल्ज इन दिस पॉलिटिक्स ऑफ विलिफिकेशन विंडेटा विंडिक्टिवनेस। इस करके मैं जो अपना काम वा करते रहना तो आने वाले दिनों किसान अंदोलन में आप जो जाना वा तो सबनों कॉल दूंगा जो समझते हो कि हाँ आप इस अंदोलन में भी मजबूत करना अपने नौजवानों की हिफाजत भी करनी तुम सारे मेरे नाल भी। यू आर वॉचिंग चैनल वाई।
a South Asian Canadian channel.